अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाइड्रोजिनेशन, यानी कि हम थोड़ा हाइड्रोजिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजिनेशन होता क्या है, तो हम चलते हैं हाइड्रोजिनेशन की तरफ। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन अगर मैं सिंपल बात करूँ तो हाइड्रोजन की एडिशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसेचुरेटेड कंपाउंड, जिसमें हमारे पास अनसेचुरेटेड के अंदर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सही है। इस अमाउंट द कॉमनेस्ट एंड ऑलमोस्ट सर्टेनली द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल देयर एडिशन रिएक्शन, डायरेक्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नॉर्मली इन्वॉल्व हेट्रोजेनियस कैटेलिस्ट। बाय फाइनली डिवाइडेड मेटल सच एज Ni, Pt, Pd, Ru, RH। सही। अब हम रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, रिएक्शन देखते हैं इसके। फर्स्ट रिएक्शन सिंपल हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के साथ Ni यूज करवा रहे हैं, तो हमारे पास सिन फॉर्म होगा, सेकंड रिएक्शन की बात करें तो इसमें भी हमारे पास सिन प्रोडक्ट हासिल होगी। थर्ड रिएक्शन में अगर हम देखें
फर्स्ट सेक्शन में मैंने सनलाइट यूज़ करवाया था, सेकंड में हमने सिंपल हाइड्रोजनेशन का अमल किया था, और थर्ड रिएक्शन में हम लैंडॉर्ड कैटेलिस्ट यूज़ करवा रहे हैं। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगी, और उसमें ज़्यादा स्टेबल हमारे पास ट्रांस वाली होगी। सही है, तो ये हमारी लेज स्टेबल होगी और ये हमारी मोर स्टेबल होगी। ठीक है, ये हमारा छोटा सा टॉपिक था हाइड्रोजिनेशन के हवाले से। तो नेक्स्ट रात इंशाल्लाह बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।